सो हैलो एवरी वन वेलकम बैक टू ऑल्यू बोर्ड्स रेगुलेटरी बॉडीज एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट अवेटेड सेबी ग्रेड एज नोटिफिकेशन येस देर वेर सो मच न्यूज इन टू द मार्केट दैट सेबी विल कम इंग टू डिसंबर देन सेबी विल कम टू जेनवरी सेबी विल कम इन फेबर राइट सो बहुत सारे ऐसे लाइक like, मार्केट में न्यूज थे रैदर देन जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन और मे बी प्रेडिक्टिंग समथिंग ओवर इट और इवन गिविंग यू एन अप्रोक्सिमेशन कि भाई अब एग्जाम आएगा हमने वो ऐसा कुछ किया नहीं बट राइट नाउ यस इफ यू सी देर आर सर्टन सोर्सेस अगर आप देखते हो तो देर मे भी देर आर हाई चांसेस की सेबी एग्जाम अब आ सकता है इन नेक्स्ट थ्री टू फोर मंथस ओके कंसिडरिंग दैट लेट ट्राई टू एनालाइज की यहां पर ओवरऑल सेबी ग्रेड एग्जाम नोटिफिकेशन का अपडेट क्या है वेन कैन वी एक्सपेक्ट द डेट ऑफ द एग्जाम क्या सेबी और आरबीआई एग्जाम एक साथ होगा एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा आरबीआई के बारे में भी देखेंगे कि उसका नोटिफिकेशन कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है सो वील कीप दीडियो वेरी वेरी शॉर्ट बट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विल नॉट एक्सट्रापोलेट एनीथिंग नीदर विल ट्राई टू एंटिसिपेट एनी ऑफ द डेट्स विल जस्ट ट्राई टू ठीक है क्या हो सकता है ओके सो इवन आकाश यादव सर एज वेल एज रगाड़े सर सेड तो इसके हिसाब से आई थिंक अभी आ सकता है आई ऑल्सो फील दैट इट मे कम ओवर सो इफ यू सी से बी नोटिफिकेशन यू ऑल वुड बी नोइंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्स्ट टू सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में ठीक है नोटिफिकेशन ठीक है फर्स्ट टू सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में अगेन इट ऑल्सो मैटर्स की बुकिंग यहां पर मार्च में होती है कि नहीं अगर नहीं हुई तो इस मंथ में भी नहीं आएगी सो वॉट हैपन वॉज पहले हमें यह लगा कि सेबी डिसंबर में आएगा तो मार्केट में बहुत ही न्यूज चल रही थी हर कोई वीडियो बना रहा था ठीक है डिसंबर में आ रहा है जनवरी में फिर लोग कहने लगे जनवरी में आएगा एंड नाव इन फेब्रुवरी हियर यू कुड सी अल्दो वी हैव नॉट स्ट्रेस सो मच ऑन सेबी बट हियर नाव आई फील की फर्स्ट टू सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आ सकता है ना वन मोर थिंग अगर मार्च में बुकिंग नहीं हुआ तो अप्रैल में भी नहीं आएगा फिर ठीक है सो यर बट देन वाई वी आर टॉकिंग ओवर इट अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो क्यों इसके ऊपर बात कर रहे दैट आई टेल यू इन दिस वीडियो एंड फॉर दैट यू हैव टू वेट टिल द एंड यहां पर आपके पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन डिजनेस

Definitely, ये काम करेगा क्योंकि यहां पर फिर आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करे यूर प्रॉर बोथ सी नोटिफिकेशन मे कम इन फर्स्ट नोटिफिकेशन कम इन फर्स्ट वीक ऑफ एप्रिल ऑल नो से बी notification, it requires at least 40 to 45 days, जिसके बाद आपका फेज वन का एग्जाम होता है सो यू कैन एक्सपेक्ट मे फोर्थ वीक और जून फर्स्ट वीक ऑफ यूर फेज वन एग्जाम तो ये आपका अपडेट आप कंसिडर कर सकते हो प्रोवाइडेड मार्च में बुकिंग होता है सो देर फोर आई विल टेल की अप्रिल आप टेंटेटिव डेट कंसिडर कर सकते हो सेबी एग्जाम के नोटिफिकेशन के लिए नाउ कम्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई नोटिफिकेशन नाउ सपोज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सेबी का नोटिफिकेशन अप्रिल में आ जाएगा एंड आरबीआई एग्जाम ऑल्सो हैपन इन दिस जून जुलाई फेज ओनली एम आई राइट सो बट देर इज वन मोर थिंग टू

उजेंड सेवेंटीन मैंने 2017 मैंने 2017 से यह देखा है कि अगर इस साल आरबीआई जिस भी डेट पे आती है नेक्स्ट ईयर उसी डेट पे नोटिफिकेशन आता है फिर उसके अगले साल पिछले साल जो भी एग्जाम की डेट है एग्जैक्ट उसी डेट पे नोटिफिकेशन आता है सो दिस इज माई ऑब्जर्वेशन दैट इफ यू सी इफ यू डू द ट्रैकिंग ऑफ आरबीआई एग्जाम फ्रॉम ट्वेंटी सेवनटीन द नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन ऑलवेज कम्स टू द प्रीवियस एग्जाम डेट पिछले साल में जो एग्जाम डेट होगा उसी डेट इस साल को नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर उस हिसाब से देखते हो जो कि आपका इट इज नथिंग बट जस्ट डेटा क्रंचिंग हम पिछले साल 2017 को हमने देखा 2017 को जो एग्जाम डेट था 2018 को उसी डेट पे नोटिफिकेशन आया फिर 2018 को जो एग्जाम डेट था उसी डेट में 2019 को नोटिफिकेशन आया आरबीआई का 2019 को जो एग्जाम डेट था उसी डेट पे 2020 को नोटिफिकेशन आया इस तरह से आरबीआई साइकिल करते जाता है दिस इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन आई डन इफ यू डोंट बिलीव मी यू कैन गो यू कैन ऑलसो ऑब्जर्व दैट नॉट एक्टली बट इट इज द पैटर्न विच इज देर फ्रॉम दैट यू कैन एक्सपेक्ट दैट नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई कम इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड एग्जाम मे बी बिटवीन मिड सप्टर मिड ऑगस्ट टू से मतलब सप्टेम्बर में आप एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो नाउ नाउर वन ऑफ द गुड ऑब्जर्वेशन मतलब यह है कि अलोंग विथ नाबार्ड तो अलग अलग टाइम पे पर नहीं होंगे होंगे तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फॉर टू एग्जाम्स एट द सेम टाइम तो आपका थोड़ा सा एफर्ट यहां पर जो भी सिलेबस ओवरलैप है उसमें यहां पर बढ़िया यहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सो दिस वॉज नथिंग बट एग्जाम डेट जो प्रीवियस इ है उसी डेट पे नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन आ जाता है दिस इज वॉट आई है ऑब्जर्वेशन इफ आरबीआई बट स्टिल आई विल टेल यू राधर देन एक्सट्रापुलेटिंग और मे बी राधर देन एंटीसिपेटिंग दिस इज वॉट अबाउट दरबीआई नोटिफिकेशन वी कैन एक्सपेक्ट द अदर थिंग रिलेटेड टू सेफ बोथ ऑफ दिज एग्जाम आर लाइंग इन दिस जून एंड जुलाई फेज अगर आरबीआई और सेबी एग्जाम्स दोनों जून जुलाई फेज में आने की कगार पे है देन माय बेस्ट स्ट्रेटजी व्हेन आई एम लुकिंग एट राइट नाउ इफ आई एम इन दिस मंथ ऑफ फेब्रुवरी आई एल बी लुकिंग एट ओनली वन थिंग कि मेरे सामने दो एग्जाम है एक है आरबीआई और एक है सेबी राइट right? एक है आरबीआई एक है सेबी एंड हियर आई विल ट्राई टू प्रिपेयर फॉर बोथ ऑफ द एग्जाम्स एट द सेम टाइम और वो मैं कैसे कर सकता हूं ऑफकोर्स इट्स नथिंग बट आप अपने टाइम जो भी एलोकेटेड टाइम है ड्यूरेशन है दैट यू डिस्ट्रीब्यूट फॉर बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स वी ऑल नो दब्जेक्ट इन सेबी एंड आरबीआई आर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सम पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज माइक्रो पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट क्योंकि सेबी में इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है आरबीआई में वैसे देखे जाए तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज होता है बट येस दिस इकोनॉमिक सम पार्ट वी कैन से ये भी थोड़ा सा ओवरलैप करता है आरबीआई के साथ ठीक है द न्यू इन कुड नथिंग बट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कंपनीज एक्ट ठीक है उसके बाद कॉस्टिंग राइट सो दीज द एक्स्ट्रा यू हैव टू डू अदरवाइज ये दो सब्जेक्ट तो आरबीआई में है ही अगर आप आरबीआई के लेवल पे करते हो ऑटोमेटिकली सेबी के लिए आपको करने की भी जरूरत नहीं है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सो दिस दिसज्यू कैन डेफिनेटली फॉल फॉर अगर आप आरबीआई के लिए अगर आप फोर आवर्स दे रहे हो आई विल रिकमेंड एक घंटा ज्यादा दे दो और सेबी के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो अल्सो सेबी फेज वन इज वेरी वेरी इजी इट इज सो डैम इजी कि अगर आप एक घंटा भी अगर डेली देते हो जस्ट फॉर वन एंड हाफ मंथ तो आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो कट ऑफ थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट ऑन एन एवरेज फोर्टी परसेंट होता है सो इट इज नथिंग इन फेज वन एग्जाम रियल गेम फेज टू में होता है सो दैट इज वाई मेरा एक सजेशन रहेगा दोनों का प्रिपरेशन एट द सेम टाइम स्टार्ट करो ट अबाउट द नोटिफिकेशन डेट्स एक्सट्रापो एक्सट्रापोलिशन एंटीसिपेशन और जो भी मार्केट में हवा चल रही है देखो आरबीआई का नोटिफिकेशन आके रहेगा ओवरलैप well तो, really दोनों दोनों तो सिलेबस है ही थोड़ा तो क्या बुराई है उसका प्रिपेरेशन करने के लिए सो धिस वुड बी वन ऑफ द टेक अवेज फ्रॉम आरबीआई एज वेल एज सेबी नोटिफिकेशन अपडेट

तो उसके लिए जीए फाउंडेशन अचीवर्स बैच पूजा मैम लक्ष्मी मैम ऑल द कोर्सेस आर इसके साथ ही साथ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन आर यूट्यूब फ्री क्लासेस आपको पता ही होगा वी आर ऑन अ मिशन कि हम आपका सिलेबस यूट्यूब पर पूरा का पूरा खत्म करें में भी स्टैटिक इट में भी करंट उसके लिए आपको नोट्स तो चाहिए होंगे राइट यू कैन नॉट रिवाइज ऑल द वीडियोज राइट तीस तीस चालीस चालीस वीडियो फिर से आप देख नहीं पाओगे तो उसके लिए अगर आप इफ यू आर एन हार्डन फॉलोअर ऑफ ऑलीबुर्ड रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ पूजा मैम ऑफ लक्ष्मी मैम ओके ऑफ आर रोशन सर निकिता मैम ठीक है देन आर संजय सर ओके दिव्यांशु सर अगर आप इनके फॉलोअर्स हो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स यूट्यूब पीडीएफ कोर्स बंडल यहां पर आपको सारे जितने भी क्लासेस होते हैं उनके पीडीएफ फाइल्स मैग्जी करंट अफेयर्स सब कुछ यहां पर इस पीडीएफ कोर्स में मिलेगा मंथली अगर आपको मैगजीन आरबीआई की चाहिए रहेगी रिलेटेड टू जीए रिलेटेड टू पीआईबी रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स सारी आपको इस पीडीएफ बंडल कोर्स में मिलेगी सो हर्स व्हाट लाइक आई विल टेल यू आस्क अस एनीथिंग वॉट एवर यूर रिक्वायरमेंट इज दैट टेल अस एंड वी विल प्रोवाइड इट टू यू पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम हैज बीन अ सक्सेस फॉर अस क्योंकि आपको बाहर कोर्सेस मिलते हैं यहां पर आपको गाइडेंस मिलता है वो भी नॉट फ्रॉम फैकल्टीज ऑल इंडिया रैंक वन ट्वेंटी मिस्टर अनिल ठीक है तो ये सारी चीजें आपको प्लेटफॉर्म पे एक क्लिक पे अवेलेबल है यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है सारी चीजें एक जगह पर सो यूटिलाइज इट वेरी वेरी केयरफुली सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम